आइए बढ़ते आगे, हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनके पास है एक बड़ी खबर सीमेंट कंपनियों से जुड़ी हुई, आइए जानते क्या है खबर। तरुण बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा सीमेंट कंपनीज के लिए एक बड़ी नेगेटिव खबर है। अनिल सर, आपको याद होगा कि 2020 दिसंबर के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर्चिस की थी सीमेंट कंपनीज पे, करीबन 20 सीमेंट कंपनीज पे सर्चिस की थी। उसकी रिपोर्ट अब सीसीआई ने तैयार कर ली है। जो सीसीआई का जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जिसको डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने रिपोर्ट अब कमीशन को सबमिट कर दी और कमीशन ने भी वो रिपोर्ट जो इफेक्टेड पार्टीज हैं उनको भेज दी है। तो इसमें जो जो रिपोर्ट के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, एक तो कार्टलाइजेशन का जो के सबूत डीजी इन्वेस्टिगेशन को मिले हैं और करीबन 3 से 5 साल के क्या टेन्योर रखा गया है कि जिसके अंदर ये कार्टलाइजेशन सीमेंट कंपनीज ने किया है। और ये एक काफ़ी शॉकिंग है कि 20 कंपनियों के बीच के अंदर ये कार्टलाइजेशन सीसीआई को मिला है कि ये एक याहू मेल के जरिए कार्टलाइजेशन कर रहे थे कि प्राइजेस कब बढ़ाने हैं, प्रोडक्शन को लो रखना है जिससे प्राइजेस हमेशा अपमूव में रहें। तो इस तरीके के सबूत सीसीआई को मिले हैं और सीसीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है। और मतलब 3 से 5 साल का मतलब ये हो गया कि जो सीसीआई का रूल है उसके हिसाब से या तो 10% टर्नओवर पर ईयर या 3 times प्रॉफिट का पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अभी जो प्रोसीजर वाइज अभी रिपोर्ट जो अफेक्टेड पार्टीज को भेजी गई है, जिसमें सभी सीमेंट कंपनीज हैं, सीमेंट कंपनीज के एसोसिएशन है, उनको ये रिपोर्ट भेजी गई है, उनसे सवाल जवाब होगा और उसके बाद कमीशन इसमें पेनल्टी तय करेगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पिछली बार पेनल्टी लगी थी, जिसके केसेज अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उससे बड़ी पेनल्टी होगी तो कमीशन इस बार लगाएगा। क्योंकि एक तो नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा हैं और पिछली जो सर्च हुई थी उसके मुकाबले इस बार जो टर्नओवर है वो सीमेंट कंपनीज का ज़्यादा है, तो लिहाजा पिछली बार की जो पेनल्टी है उससे ज़्यादा पेनल्टी कमीशन लगा सकता है। लेकिन डीजी इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर कार्टलाइजेशन के सबूत इन 20 कंपनियों के बीच में मिले हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट कंपनियों के लिए थोड़ी खराब खबर। सीमेंट कंपनियों में कार्टलाइजेशन का जो आरोप लगा था उसकी जांच हुई थी, उस जांच में सबूत मिले कि वाकई में ऐसा ही किया गया है।